subscribe my channel, like and share the video. Thank you. एक दफा सर्दियों की रात थी और सारे पक्षी शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में चले जाया करते थे। उस रात बारिश होने वाली थी, इसीलिए पक्षी जल्दी से अनाज लेकर अपने घरों को चले गए। चीनू चिड़िया और उल्लू दोनों को अनाज की तलाश में थोड़ा दूर जाना पड़ा और जाने कब अंधेरा छाने लगा उनको पता ही नहीं चला। जैसे ही उनको एहसास हुआ कि रात तो बहुत गहरी होने वाली है, वो दोनों घर की तरफ निकलते हैं। हाय उल्लू भैया, ये हमने क्या किया? यहाँ तो बहुत अंधेरा हो रहा है, चलें अब जल्दी से घर चलते हैं। हमें चावल के दाने देकर ऐसे बेखबर हो गए कि घर जाने का तो होश ही नहीं रहा। मुझे तो ज़्यादा अंधेरे में नज़र भी नहीं आता और डर भी बहुत लगता है। लो जी चीनू बहन, तुम भी कमाल करती हो, भला एक उल्लू को अंधेरे से क्या डराना। मैं एक उल्लू हूँ और मुझे तो दिन में इतना नज़र नहीं आता जितना रात में देख सकता हूँ। मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ तुम्हें रास्ता। चलो ये चावल की थैली उठाओ और चलो मेरे साथ। अभी वो दोनों चले ही थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई और वो भागकर दरख्त की टहनी पे आ बैठे और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे। चीनो डर के मारे रोने लगती है। उल्लू भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम अब घर कैसे जाएंगे? सर्दी की वजह से मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं, अगर ऐसे ही कुछ देर और बैठना पड़ा तो मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। अरे अरे चीनू, तुम रोना तो बंद करो ना, अगर ऐसे ही हिम्मत हारोगी तो हमारा यहाँ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पास में ही कोई घर देखते हैं, हो सकता है कोई हमें रात गुजारने के लिए जगह दे दे। काफी देर देखने के बाद बारिश जब कम नहीं हुई तो वो दोनों वहाँ से जाने का फैसला करते हैं और वहाँ आसपास किसी घर को तलाश करने लगते हैं। इधर उधर घर तलाश करने के बाद वो दोनों रास्ता भटक जाते हैं और वापस घर जाने का रास्ता भूल चुके होते हैं। अब तो उल्लू भी परेशान हो गया था। खैर, थोड़ा सा आगे जाकर उनको एक घर से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वो दोनों फौरन से उस घर की तरफ जाते हैं। वो घर कालू और काली का था। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने देखा वो घर जिस दरख्त के नीचे बना था उस दरख्त की जड़ उखड़ चुकी थी और कुछ ही देर में बस वो दरख्त गिरने ही वाला था। चीनू और उल्लू उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। काली कव्वी अंदर से ही आवाज़ देकर पूछती है, अरे कौन हो भाई, इतनी सर्दी में क्यों तंग किया? एक तो लोगों को बारिश में भी आराम नहीं आता, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। अरे बहन, आप नाराज तो ना हो, हम लोग आए तो आपके घर में पना लेने के लिए थे, मगर आपका घर बस टूटने ही वाला है। जल्दी से इस घर को खाली कर दीजिए, वरना हो सकता है कि घर टूटने की वजह से आपकी जान भी चली जाए। अच्छा वाजीवा, बड़ी अच्छी कहानी घड़ी है हमें लूटने की। कोई और बहाना नहीं मिला था दरवाज़ा खुलवाने के लिए? हमारे पास इतनी जगह नहीं है, जाओ कहीं और पना ले लो जाके। देखिए हम सच कह रहे हैं, आपका घर बस गिरने वाला है, ये दरख्त अपनी जड़ों से पूरी तरह से उखड़ चुका है, बारिश बहुत तेज है, ये किसी भी वक्त गिर जाएगा। आप लोग हमें बेशक पना मत दें, मगर कम से कम अपनी जान तो बचा लें। ये सुनकर काली कव्वी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर की खिड़की से एक जोरदार पत्थर उनको मारती है। पत्थर लगने की वजह से उल्लू के सर से खून बहने लगता है और चीनू उल्लू को लेकर जान बचाने के लिए भागती है। भागते भागते एक दूसरे घर के सामने जाकर रुक जाती है। इससे पहले कि वो दरवाजे पर दस्तक देती, जग्गू तोता फौरन से दरवाजा खोल देता है। ओहो बहन, क्या हो गया इनको? कौन हैं आप लोग और इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हैं? आ जाएं, आप दोनों घर के अंदर आ जाएं, बाहर बहुत ठंड है। जग्गू तोता उन दोनों को घर के अंदर ले जाता है। वहाँ उसकी बीवी जानी कबूतरी उल्लू की पट्टी कर देती है। चीनू और उल्लू दोनों बुरी तरह से भीग चुके थे। कबूतरी ने इनको गर्म कपड़े दिए ताकि वो दोनों सर्दी से बच सकें। जग्गू तोते ने पास ही आग जलाई और सोने के लिए बिस्तर भी दिए।
तोते और कबूतरी ने इन दोनों का बहुत एहसास किया और बहुत मेहमान नवाजी की। चीनू उनका रवैया देखकर बहुत खुश हुई। यकीन नहीं आता, आजकल के ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी को जाने बगैर ही उनका इतना एहसास करते हैं, वो भी बिना किसी गर्ज के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ज़रूरत कभी ना कभी हमें भी तो पड़ सकती है। अगर आज आपकी जगह मैं होता और मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए होती तो मैं भी यही चाहता कि मुझे भी ऐसे ही मेहमान नवाज लोग मिले। ये दुनिया तो ऐसी ही है, अगर आज हम किसी के साथ भलाई करेंगे तो कल को हमारी की हुई नेकी हमें सूद समेत वापस मिलेगी। वैसे आपने बताया नहीं कि उल्लू भैया का ये हाल किसने किया है? अरे कुछ ना पूछे तोते भैया, यहाँ पास में ही कव्वों के घर का दरवाज़ा खटखटा लिया था गलती से। बस उन्होंने ही हमारी ये हालत कर दी पत्थर मार के। बड़े बेमुरव्वत लोग हैं, ज़रा सा भी एहसास नहीं किया, बल्कि उनको तो लगा जैसे कोई चोर उनको लूटने के लिए आ गया हो। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं वहाँ से। वो तो शुक्र है हमें आप मिल गए, वरना तो सारी रात बाहर बारिश में ही गुजारनी पड़ती। अरे चीनू बहन, आप वहाँ कव्वों के घर किधर चले गए? वो लोग तो बहुत ही बेहिस हैं, उनसे तो सारे जंगल के पक्षी पना मांगते हैं। तौबा करें, जो भी उनके पल्ले पड़ता है वो बाद में कानों को ही हाथ लगाता है। जी जी बिल्कुल, जैसे हम भी कानों को हाथ लगा रहे हैं। सब हंसने लगते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो बाहर शोर मच जाता है, क्योंकि कालू कव्वे के घर पर वो दरख्त गिर गया था और वो दोनों घर के गिर जाने से मारे गए। शोर सुनकर जग्गू तोता और उल्लू भागे भागे जाते हैं। कालू कव्वे का गिरा हुआ घर देखकर इनको बहुत अफसोस होता है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने इन लोगों को बहुत समझाया था रात में, मगर ये लोग अपनी जिद की वजह से नहीं माने और देखें ये सब हो गया। काश ये हमारी बात मान के एक बार बाहर आकर देख तो लेते, तो आज इनकी जान तो ना जाती कम से कम। अल्लो भैया, इनको तो उनके किए की सजा मिली है। सारे जंगल के पक्षियों को इसी तरह तंग करके रखा था। बहुत ही जिद्दी थे ये दोनों। कभी कभी हमें किसी दूसरे की बात भी मान लेनी चाहिए। फिर जग्गू तोता चीनू और उल्लू को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। चीनू चिड़िया बहुत गरीब थी। उसका बाप चलने फिरने के काबिल नहीं था, क्योंकि कुछ अर्सा पहले एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे टूट गई थी। चीनू की माँ कपड़े सिलाई करके घर का निजाम चला रही थी। कपड़े सिलाई करने से भी उसको कुछ खास फायदा नहीं होता था। थोड़े बहुत जो पैसे मिलते थे उससे घर का निजाम चल रहा था। मगर किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। कुछ ऐसे बाद ही चीनू की माँ भी बहुत बीमार हो जाती है। अब वो भी बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। चीनू के दोनों माँ बाप ही बिस्तर के हो चुके थे। उनके घर में तो अब राशन भी खत्म हो चुका था। चीनू बिटिया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो मुझे। हाँ चीनू बिटिया, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने को ला दो। माँ, घर में तो सारा राशन खत्म हो गया है, मैं आप लोगों को खाने के लिए क्या दूँ? अरे बिटिया, जा किसी से मांग कर ही कुछ ले आ, भूख से बुरी हालत हो रही है। चीनू बहुत होशियार थी, उसने आज तक किसी से कुछ भी नहीं मांगा था। उसे लोगों से खाना मांगते हुए बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन जब वो अपने माँ बाप की हालत देखती है तो वो मजबूर हो जाती है और वो मोहल्ले से कुछ मांगने के लिए चली जाती है। बुलबुल आंटी, मुझे खाने के लिए कुछ दे दें प्लीज, हमारे घर में राशन खत्म हो गया है। माँ और बाबा दोनों बिस्तर पर हैं, दोनों बहुत बीमार हैं और उन्हें बहुत भूख लगी है। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे चीनू, तुझे भी अपनी माँ की तरह मांगने की आदत पड़ गई है। वो भी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ जाया करती थी।
हमने कोई तुम्हारा घर चलाने का ठेका तो नहीं उठा रखा। तू मुझसे पहली दफा कुछ मांगने आई है, इस वजह से मैं तुझे खाना दे देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि तू रोज रोज खाना मांगने आ जाएगी और मैं तुझे दे दूंगी। बुलबुल उसे खाना तो दे देती है, लेकिन साथ में बहुत बेइज्जत भी करती है। चीनू ये सब बातें सुनकर बहुत उदास थी। माँ बाबा आप दोनों ये खाना खा लें, मैं काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। काम ढूंढने के लिए? कौन सा काम ढूंढने के लिए बेटा? माँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो भी काम मिला मैं कर लूँगी। मैं रोज रोज किसी से मांग कर नहीं खा सकती। मैं बहुत मेहनत करूँगी, कोई भी काम करके मैं घर का निजाम चला लूँगी, लेकिन ये मांगने वाला काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर चीनू बाहर काम ढूंढने के लिए चली जाती है। चंदा आंटी मुझे आपसे एक काम था। माँ और बाबा दोनों बहुत बीमार हैं और दोनों बिस्तर पर पड़े हैं। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं कोई काम करना चाहती हूँ। क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई काम है जो मैं कर सकूँ? अरे नहीं बेटा, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई काम नहीं है। चंदा आंटी कोई भी काम हो तो मुझे बताइए, आपकी तो गांव के सभी पक्षियों से बहुत दोस्ती है। किसी न किसी को काम वाले की जरूरत तो होगी ना, मैं घर में काम भी कर लूँगी, बस मुझे कोई भी काम मिल जाए। अरे चीनू इस गरीब गांव में किसको काम वाले की जरूरत होगी, सभी अपने अपने काम खुद ही करते हैं। बस एक सोना कबूतरी ही है जो गांव में जरा अमीर है, लेकिन उसके घर पर कोई काम वाली नहीं टिकती, क्योंकि वो बहुत ही जुल्म करती है काम वालियों पर। सुना है सोनू कबूतरी ने पिछली काम वाली को इतना मारा था कि उस बेचारी की टांगे ही तोड़ दी थी। तनख्वाह तो वो अच्छी देती है, लेकिन साथ में बहुत ही मारती है काम वालियों को। चंदा आंटी आप मुझे सोनू कबूतरी के पास ले जाएं, मैं उसके घर पे काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे चीनू बिटिया पागल तो नहीं हो गई? बता तो रही हूँ वो कितनी जालिम है। चंदा आंटी आप नहीं जानती, भूख के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। मुझे बस इस वक्त काम चाहिए ताकि मेरे घर का निजाम चल सके। आप मुझे सोनू कबूतरी के पास ले जाएं। चलो ठीक है चीनू, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। अरे सोनू कबूतरी तुझे घर पे काम वाली की जरूरत थी ना, ये चीनू चिड़िया है, ये तेरे घर पर काम करना चाहती है। तुम लोग आपस में काम की बातचीत कर लो, मैं चलती हूँ। हाँ चीनू चिड़िया तुझे कोई काम वाम आता भी है या नहीं? सोनू कबूतरी जी मैंने पहले कभी काम किया तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करूँगी, आप जो काम कहेंगी मैं फौरन करूँगी। चल ठीक है तो फिर आज से ही काम पर लग जा। सोनू कबूतरी जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपने तनख्वाह तो बताई ही नहीं मुझे। अच्छा बड़ी जल्दी है तुझे तनख्वाह लेने की, बेवकूफ चिड़िया पहले काम तो करके दिखा मुझे, अगर मुझे तेरा काम पसंद न आया तो मैं तुझे फौरन निकाल दूंगी। और हाँ एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे काम चोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तूने अगर ढंग से काम न किया तो तेरा भी वही हशर करूंगी जो पिछली काम वालियों का किया था। ये बात अच्छी तरह अपने भेजे में बिठा ले। सोनू तो पहली मुलाकात में ही चीनू को डांटना शुरू कर देती है। चीनू सारा दिन मेहनत करके उसके घर का काम खत्म करती है। अरे इसे सारा काम खत्म करना कहते हैं? बर्तन क्या कोई दिन आकर धोएगा? लेकिन सोनू जी मैंने झाड़ू लगाने से पहले बर्तन धो दिए थे। अरे वो तो सुबह के बर्तन थे ना, अभी जो मैंने खाना खाया है वो बर्तन कौन धोएगा? माफ कीजिएगा सोनू कबूतरी, उनका तो मैं भूल ही गई, मैं बस अभी बर्तन धोकर आती हूँ। सोनू जी मैंने सारे बर्तन भी धो दिए हैं। चल ठीक है ये कुछ एडवांस पैसे रख ले, तनहा मैं तुझे बहुत अच्छी दिया करूँगी, लेकिन रोज वक्त पर आना करना, जरा सा भी लेट हुई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और हाँ काम चोरी मत दिखाना किसी भी काम में। सोनू चीनू को बहुत अच्छी तनहा देने का कहती है। चीनू इस बात पर खुश थी कि सोनू उसको अच्छे पैसे दिया करेगी और उसके घर का निजाम चल जाया करेगा, लेकिन चीनू ये नहीं जानती थी कि सोनू कितनी जालिम है। चीनू घर पर ढेर सारा राशन लेकर जाती है और साथ ही अपने माँ बाप को बताती है कि उसे काम मिल गया है।
चीनू जब अपनी माँ को बताती है कि वो सोनू कबूतरी के घर पे काम कर रही है तो उसकी माँ भी परेशान हो जाती है। अरे चीनू बेटा, सोनू कबूतरी तो बहुत जालिम है, तू उसके घर पे काम मत कर, तू कोई और काम ढूंढ ले। माँ, इतनी मुश्किल से तो ये काम मिला है, काम ढूंढना कोई आसान तो नहीं है ना। गांव में एक सोनू कबूतरी के अलावा किसी के घर पर भी काम वाली नहीं है। नहीं नहीं चीनू बिटिया, उसका कोई भरोसा नहीं, वो अपनी काम वालियों पर बहुत जुल्म करती रही है, तू उसके घर पे काम मत कर, तू उसके घर का काम छोड़ दे। चीनू जब अपनी माँ को इतना परेशान होता देखती है तो वो जानबूझकर उसे झूठ बोल देती है ताकि वो उसको काम करने से ना रोके। माँ, आप जानती हैं, सोनू कबूतरी बहुत अच्छी है, लोगों ने तो जानबूझकर ऐसी बातें बना दी हैं। आप जानती हैं, उसने मुझसे बहुत प्यार से बात की और वो कह रही थी मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह ही समझती हूँ। देखिए ना, उसने कितना अच्छा एडवांस भी दे दिया है। आप फिक्र मत करें, लोगों को तो आदत होती है बातें करने की, सोनू कबूतरी इतनी जालिम नहीं है। क्या सच में चीनू बेटी, सोनू कबूतरी ने तुझसे इतना अच्छा बर्ताव किया? अरे हाँ ना माँ, सच कह रही हूँ मैं। ऐसी बातें करके वो अपनी माँ को तसल्ली दे देती है। चीनू ने तो सोनू का रवैया देख लिया था और वो जानती थी कि लोग अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, इसीलिए चीनू साथ साथ दूसरे काम की भी तलाश में थी। अगले दिन चीनू काम पर चली जाती है। चीनू से एक ग्लास टूट जाता है। ये ग्लास टूट जाने पर सोनू उसको बहुत मारती पीटती है। सोनू इतनी जालिम थी कि उसको मारने पीटने के बाद भी उससे सारे घर का काम करवाती है। चीनू के सर से बहुत खून बह रहा था लेकिन वो फिर भी काम करती रहती है। वो जानती थी कि अगर वो काम नहीं करेगी तो सोनू उसको पैसे नहीं देगी। चीनू इतनी बुरी हालत में उसके सारे घर का काम खत्म करती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे चीनू, ये तेरे सर पर क्या हुआ है? वो सोनू ने तुझे मारा है ना? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो काम करते हुए मेरा सर टेबल से टकरा गया था। सोनू जी तो मुझे खुद पट्टी करवाने के लिए लेकर गईं। अरे चीनू, ध्यान से काम किया करना, देख तो दो दिन में तूने अपनी क्या हालत बना ली है। सोनू ने तो आहिस्ता आहिस्ता चीनू को रोज ही मारना शुरू कर दिया था। कभी वो चीनू को देर से आने पर मारती तो कभी बर्तन टूट जाने पर। चीनू तो मजबूरी में ये सारा जुल्मों से तम सह रही थी। एक रोज चीनू को एक बहुत अच्छा काम मिल जाता है। चीनू बेटा, तूने मुझसे काम की बात की थी ना? मैंने शहर में अपने एक दोस्त से बात की थी, वहाँ एक बहुत अच्छी नौकरी है, वो लोग रिहायश भी देंगे, तू अपने माँ बाप को वहाँ साथ रख सकती है, साथ ही वो तनख्वाह भी बहुत अच्छी दे रहे है। चीनू बेटिया, तूने इस सोनू का बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है अपने माँ बाप के लिए, अब तू फौरन इसके घर का काम छोड़कर चली जा। चीनू ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है। वो फौरन सोनू के पास जाती है और उससे कहती है, सोनू जी, मुझे एक दूसरी जगह पर काम मिल गया है, मैं आपके घर का काम छोड़ना चाहती हूँ, आप मेरा हिसाब किताब कर दें, जितने दिन के पैसे बन रहे हैं आप वो मुझे दे दें। अच्छा, तो तुझे कहीं और काम मिल गया है, पैसे वैसे तो मैं तुझे नहीं देने वाली, तेरा महीना पूरा नहीं हुआ। सोनू चीनू को उसके पैसे देने से भी इनकार कर देती है। ठीक है सोनू जी, अगर आपने पैसे नहीं देने तो ना दें, लेकिन मैं कल से काम पर नहीं आया करूँगी। ये कहकर चीनू जाने ही लगती है कि सोनू को अचानक से चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अरे चीनू चीनू, मेरी मदद कर, मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो गया है, चीनू मुझे ऐसे छोड़कर मत जा, मैं मर जाऊंगी। चीनू उसकी इतनी चीहो पुकार देखकर फौरन उसके पास जाती है और चीनू उसको फौरन अस्पताल ले जाती है। अस्पताल जाकर पता चलता है कि सोनू को कैंसर है और वो बस कुछ ही दिन की मेहमान है। चीनू, तू तो बहुत अच्छी है, मैंने तुझ पर कितना जुल्म किया, तूने तो मेरा काम भी छोड़ दिया था, फिर भी तू मुझे बचाने के लिए आ गई, मुझे माफ कर दे चीनू, मुझे तो अपने किए की सजा मिली है, अब तू पता नहीं मैं कितने दिन जिंदा बचूंगी, मुझे माफ कर दे चीनू, मुझे माफ कर दे चीनू, तू मुझे छोड़कर मत जा, तू तो जानती है मेरे आसपास तो कोई नहीं है और मैंने तो आज तक किसी से अच्छा सलूक भी नहीं किया,
मेरे आखिरी वक्त में मुझे अकेला छोड़कर मत जा चीनू। सोनू को इस हालत में देखकर चीनू को बहुत तरस आता है। वो शहर जाने का इरादा कैंसिल कर देती है। और है चीनू बिटिया, तू इस जालिम सोनू के लिए यहाँ रुक रही है? तेरी इतनी अच्छी नौकरी हो गई थी शहर में, तू शहर क्यों नहीं जा रही? मरने दे इस सोनू को, इसने कौन सा आज तक किसी से कोई भलाई की है? तेरी भी देख इसने क्या हालत बना दी, कितना जुल्म किया इसने तुझ पर। अरे बबलू चचा, मुझसे ये नहीं होगा, मैं किसी को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती। सोनू जी की मदद करने को आज कोई भी तैयार नहीं हो रहा, मैं उनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। चीनू सारे जुल्मो सितम भुला कर सोनू के पास रुक जाती है। सोनू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सोनू मरने से पहले अपनी सारी जायदाद चीनू के नाम कर देती है। चीनू बेटा, मेरी तो सगी औलाद भी मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन तूने पराई होकर मेरी बहुत हिम्मत की है। चीनू बेटा, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया, इसके बावजूद तूने मेरा इतना साथ दिया है। मैं अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर रही हूँ, बस चीनू बेटा तू मुझे माफ कर दे। नहीं सोनू जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया है, आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में सोनू दम तोड़ जाती है। सोनू बहुत अमीर थी, उसकी बहुत जमीन और बहुत जायदाद थी, वो सब कुछ चीनू के नाम कर गई थी। इस तरह चीनू की गरीबी भी दूर हो जाती है और चीनू को उसके अच्छे कर्मों का फल भी मिल जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।